Next question of paper is question number 82. 3 gram of activated charcoal was added to 50 milliliter of acetic acid solution of 0.06 normality in a flask. After an hour, it was filtered and the strength of the filtrate was found to be 0.042 normal. The amount of acetic acid adsorbed per gram of charcoal is. यहाँ पर देखिए हमने चारकोल को यूज किया है और चारकोल एसिटिक एसिड को एडिसॉर्ब कर रहा है. सो क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द एडिसॉर्प्शन फेनोमेना. एडिसॉर्प्शन कितना हो रहा है उसको रिलेट करते हैं. मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड एडिसॉर्ब्ड. इनिशियली हमने एसिटिक एसिड लिया है, उसकी नॉर्मैलिटी है 0.06, इट मीन्स मोलारिटी इज ऑल्सो 0.06. वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज 50 मिलीलीटर, सो दिस इज 50/1000. एडजॉर्प्शन के बाद जो रिमेनिंग सॉल्यूशन है उस रिमेनिंग सॉल्यूशन की मोलारिटी है 0.042. मोलारिटी भी हो गई 0.042. वॉल्यूम इज स्टिल 50 मिलीलीटर. मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कर दिया हमने, तो इनिशियली इतने मोल्स एसिटिक एसिड के थे, एडजॉर्ब होने के बाद इतने मोल्स बच गए. जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो ये वैल्यू आ रही है 0.9/1000 मोल्स. इस मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड को मास में कन्वर्ट कर देंगे. मास ऑफ एसिटिक एसिड एडजॉर्ब्ड दिस इज 0.9 × मॉलिक्यूलर मास. यहां पर मैंने मोल्स में लिया था, मोल्स को मैंने मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 हटा दिया, इसलिए ये वैल्यू आ गई मिलीग्राम में. सो दिस इज इक्वल टू 54 मिलीग्राम. नाउ इन दिस क्वेश्चन इट इज मेंशन 3 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज्ड टू एडजॉर्ब 54 मिलीग्राम ऑफ एसिटिक एसिड. क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड एडजॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ चारकोल. तो पर ग्राम कितना एडजॉर्प्शन है कैलकुलेट कर सकते हैं. 3 ग्राम चारकोल एडजॉर्ब्स 54 मिलीग्राम ऑफ एसिटिक एसिड. पर ग्राम इट मीन्स 1 ग्राम चारकोल will adsorb 54/3 milligram of acetic acid. 54/3 milligram, this is equal to 18 milligram. So correct answer is 18 milligram. Option देखते हैं, first option 42 milligram, incorrect. Second option 54 milligram, incorrect. थर्ड ऑप्शन में मेंशन किया है 18 मिलीग्राम. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन. ऑप्शन 3 इज करेक्ट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ पेपर इज क्वेश्चन नंबर 83. The vapor pressure of acetone at 20 degrees Celsius is 185 torr. When 1.2 gram of a non-volatile substance was dissolved in 100 gram of acetone at 20 degrees Celsius, its vapor pressure was 183 torr. The molar mass of the substance is. Question is based on relative lowering of vapor pressure. जब हम किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर से कम हो जाता है.
एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस. दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इट कैन बी रिटन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट. मास ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैन बी रिटन एज मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्वेंट. सॉल्यूट के मोलर मास को 1 से रिप्रेजेंट किया है, सॉल्वेंट के मोलर मास को 2 से रिप्रेजेंट किया है. नाउ सी विच इंफॉर्मेशन आर गिवन इन द क्वेश्चन. पी नॉट दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड. हियर द प्योर लिक्विड इज एसीटोन एंड इट्स वेपर प्रेशर इज गिवन 185 टोर. माइनस वेपर प्रेशर ऑफ दिस सोल्यूशन. सोल्यूशन का वेपर प्रेशर मेंशन किया है 183 टोर. डिनोमिनेटर में वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन सो इट इज 183 इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट. सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए हमने सॉल्वेंट में 1.2 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है. तो यहाँ मास लिख दिया 1.2 ग्राम. मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना है. मास ऑफ सॉल्वेंट इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन 100 ग्राम एसीटोन. सॉल्वेंट इज एसीटोन तो एसीटोन का मॉलिक्यूलर मास यहां पर कर दिया हमने विच इज 58. मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमें कैलकुलेट करना है. जब हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे मोलर मास की वैल्यू निकालेंगे, ये मोलर मास की वैल्यू आ रही है 63.58 ग्राम विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 64 ग्राम. सो करेक्ट आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन. ऑप्शन 4 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ पेपर इज क्वेश्चन नंबर 84. विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव एंड ऑप्शंस आर आयोडीन, आयोडीन क्लोराइड, क्लोरीन एंड ब्रोमीन. यहाँ चार सब्सटेंस दिए गए हैं और हमें फाइंड आउट करना है कौन सा सब्सटेंस मोस्ट रिएक्टिव सब्सटेंस होगा. नाउ सी द ऑप्शन. दिस इज हैलोजन, हैलोजन, हैलोजन. And second option is interhalogen compound. Interhalogens are more reactive than any of the halogen except fluorine. And this exceptional property, this higher reactivity of interhalogen compound is due to presence of weak bond and due to presence of polar bond. So ICL mein ek polar bond present hai. इस बॉन्ड पोलैरिटी के कारण इसकी बॉन्ड एनर्जी किसी भी प्योर हैलोजन से कम हो जाएगी और इस कंपाउंड की रिएक्टिविटी हैलोजन के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएगी. सो इन द गिवन ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन 2 इज करेक्ट.